क्या कभी आपने सोचा है कि टाइटैनिक के मलबे को आज तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया है? जैसे कि आप देख सकते हो, टाइटैनिक का व्रेक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की सतह से 12,450 फीट नीचे है और इतने डिप में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब क्योंकि टाइटैनिक इस कंडीशन में पिछले 110 सालों से है, जिसकी वजह से इसका शेप तो विजिबल है लेकिन इसका स्टील पूरी तरह से अंदर से खोखला हो चुका है। जब 1912 में टाइटैनिक डूबी थी तब इसके दो टुकड़े हुए थे, जिसकी वजह से इसका पूरा मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यही एक वजह है जिसकी वजह से इसके व्रेक को लिफ्ट करने की छोड़ो, अगर किसी ने इसे गलती से भी हिला दिया तो ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। वेल, अगर आपको भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद है तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।